ओ मंचली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, और ढल गया दिन हो गई श्याम जैसी रोमांटिक सॉन्ग में नज़र आने वाली मशहूर लीना चंदावरकर, जिन्होंने अपने दौर में लगभग सभी सुपरस्टार के साथ मिलकर लोगों के दिलों को जीता था, जिनमें दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार के नाम शुमार हैं। भले ही अभिनेत्री लीना फिल्मी दुनिया से दूर हो गई हैं, लेकिन आज भी उनके गाने लोगों की जुबा पर बने रहते हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन दिनों अभिनेत्री लीना चंदावरकर कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखाई देती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री लीना चंदावरकर का जन्म 29 अगस्त साल 1950 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। बचपन से ही लीना ने अपने मन में ठान लिया था कि वो आगे चलकर बॉलीवुड अभिनेत्री बनेंगी। कुछ रिजेक्शन पाने के बाद फिल्म निर्माता सुनील दत्त ने अपनी फिल्म मन का जीत में इन्हें साइन किया। सुनील दत्त की पत्नी नरगिस ने लीना को बतौर एक्ट्रेस बनने में खूब मदद की, जिसके बाद कई बड़े फिल्म निर्माताओं ने भी इन्हें फिल्म में काम करने का ऑफ़र दिया और उन ऑफर्स को स्वीकार करते हुए लीना चंदावरकर विदाई, मंचली, आखिरी गोली, नालायक और दिल का राजा जैसी बेहतरीन फिल्मों में अभिनय करती हुई नजर आई। साल 1969 से 1979 के बीच लीना ने कई फिल्मों में काम किया। उन्हें उस दौर के कई लोकप्रिय नायकों के साथ कास्ट किया गया था, जहां वो साल 1971 में राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई। वे दिसंबर साल 2007 के दौरान सोनी टीवी द्वारा शुरू किए गए एक नए रियलिटी टीवी गायक शो को फॉर किशोर के पहले दो एपिसोड के लिए गेस्ट अपेरियंस के तौर पर भी दिखाई दी थी। बात की जाए इनके निजी जीवन के बारे में, तो जब लीना चंदावरकर का करियर सातवें आसमान पर था, तभी उन्होंने सिद्धार्थ बंदोकर से शादी कर ली थी। लीना की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी कि कुछ ही समय बाद ही उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद लीना पूरी तरह टूट गई। फिर इनकी लाइफ में एंट्री हुई किशोर कुमार की, लेकिन इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि लीना किशोर कुमार के साथ शादी करें, और वो इसलिए क्योंकि इनके बीच 21 साल की उम्र का फासला था। लेकिन इसके बावजूद लीना ने परिवार के खिलाफ जाकर साल 1980 में किशोर कुमार के साथ शादी कर ली। इस शादी से लीना को एक बेटा सुमित कुमार हुआ, लेकिन शादी के 7 साल बाद ही किशोर कुमार का निधन हो गया। उस समय उनका बेटा सुमित महज 5 साल का था। किशोर की मृत्यु के बाद लीना और उनका बेटा सुमित कुमार किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा घोष और उनके बेटे अमित कुमार के साथ रहने लगे। बात की जाए बॉलीवुड अभिनेत्री लीना चंदावरकर के आज के हालात के बारे में, तो आपको बता दें 71 साल की हो चुकी हैं, जिसके चलते इनके चेहरे पर बढ़ती हुई उम्र की झुर्रियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ साथ इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। बता दें लीना चंदावरकर ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कर दिया है। हालांकि कभी कभी वो गेस्ट अपेरियंस के तौर पर नज़र आती हैं। इन दिनों लीना अपने बेटे सुमित कुमार के साथ कोलकाता में रहती हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री लीना चंदावरकर के बारे में जानकर कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।